आज का नौजवान तरक्की कर सके और तरक्की करके आगे अपने रास्ते को हमवार कर सके, लिहाजा ये ऐसी चीजें शराब जैसी जिसमें इंसान की जान जाती है ये आज इस मकसद के लिए आप सब लोग किसी मजहब मिल्लत रंग और नस्ल यहाँ जमा हुए हैं। इस पर मेरे से पहले जो मुकर्रीन ने आपकी बात रखी और आप सब भी इस चीज को समझ चुके हैं कि आज हमारे आने का मकसद क्या है। यहाँ अगर कोई समझे कि हमारे मौलाना हजरात उठ के कोई ऐलान करेंगे उनका जाती मसला नहीं है, कोई बीडीसी डीडीसी का चेयरमैन आकर लीड करेगा मसला उसका नहीं है, कोई मुसलमान उठ के बात करे तो मसला मुसलमान का नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। जिस तरह तारिक साहब अभी फरमा रहे थे कि किसी भी मजहब में ये चीज अथराइज या लीगल नहीं की हुई, अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो एक अलग डिबेट है। अब बात यह है कि जब यहाँ किसी की डिमांड ही नहीं है, जब यहाँ कोई पीना ही नहीं चाहता, हमारे जो असली मसाइल है उस पर हमारी गवर्नमेंट तवज्जो क्यों नहीं देती। हमारे हॉस्पिटल का बुरा हाल है, जहाँ हमारा बुनियादी हक है, सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन की जरूरत है, उसका जो नाम निहाद यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगे हुए हॉस्पिटल के या किसी का उसके अंदर क्या पोजीशन है, उसका मतलब ये हर चीज नहीं है कि हम बोलेंगे क्या कहेंगे। सबसे पहले आपका मीडिया वालों का शुक्रिया कि आप छोटी छोटी बात भी वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ तक हम जाके खुद नहीं पहुँचा सकते, आपका शुक्रिया। जहाँ तक तल्लक है कि ये काफ़ी दिन से ये मामला यहाँ चल रहा है, पहले सुरकोट बाईपास कोठा बाईपास में हुआ, लोगों का एहतियात वगैरह करने के बाद वहाँ बंद कर दिया, अभी ऊपर कोठा में जाके वहाँ पर एक वाइन शॉप खुल गई, उसके लिए लोगों ने एक एहतियात पुरअमन पीसफुली किया था। उसी सिलसिले में आज लोगों ने एक और पीसफुली मैसेज देने की कोशिश की है कि पूरा शटल डाउन हड़ताल करके पूरे मार्केट को बंद करके ताकि हम एक पीसफुली अपना मैसेज आपके तक पहुँचा दें कि लोग यहाँ नहीं चाहते, आप जबरदस्ती मसलत करके और फिर ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान में एक तसादम क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है ये गलत है। इसको आप नजरसानी करें और देखें इस चीज़ों पर, जब डिमांड नहीं है पब्लिक की तो आप फोर्स करके क्यों एक जाए। फिर दूसरी बात जो मैं आपके मीडिया के चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ कि उस दिन जब हम कोठा में ऊपर गए वहाँ हमारे SHO साहब थे, SDPO साहब थे, दो नायब तहसीलदार थे, जब उन्होंने मिल के जाके वहाँ पर बोला कि बेहतरीन तरीके से